भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे टी20 मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को बुरी तरीके से हरा दिया। जी हां, पहले भारतीय बल्लेबाजों की जो कमी थी वो दिख रही थी, लेकिन अब गेंदबाजी की कमी अभी साफ साफ दिखने लगी है। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने पहले टीम इंडिया के गेंदबाजों की धुनाई करी, उसके बाद जब बल्लेबाजी की बारी आई तो उसमें भी साउथ अफ्रीका के जो गेंदबाज है उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करी और दो चार शॉट अच्छे खेले। डीके ने अच्छे खेले, पंत ने अच्छे खेले, लेकिन स्कोर इतना बड़ा था, रोहित शर्मा चल दिए भैया जीरो पे आउट हो गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के जाने के सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन आज जब छोटी गेंदें पड़नी स्टार्ट हुई तो हो गए टाई टाई फिस हो गई। और गेंदबाजी के बारे में भी हम बात करेंगे यार, गेंदबाजी, इस गेंदबाजी के साथ आप जीतेंगे वर्ल्ड कप? मुझे तो नहीं लगता कि जीतेंगे। अगर आप जीतने के सपने देख रहे हो तो आप उठ जाइए अपने नींद से, क्योंकि इस गेंदबाजी के साथ आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। क्या गेंदबाजी है, मतलब यार ठीक है कंडीशंस आपके अगेंस्ट में है, ग्राउंड भी छोटा है, लेकिन आईपीएल में आप इतना क्रिकेट खेले हो यार, आईपीएल में तो आप अपनी टीमों के हीरो हैं, आप अपनी टीमों के साइड से इतना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब नेशनल टीम की बारी आती है, जब टीम इंडिया की बारी आती है तो यार आप कहते हैं नहीं 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 भैया कंडीशन हमारे अगेंस्ट थी ना, स्विंग नहीं मिल रहा था हमको, ड्यू था यार। सबने 12 रन से ऊपर की ऑलमोस्ट इकोनॉमी से रन दिए हैं। दीपक चार ने 4 ओवर में 40, सिराज ने 4 ओवर में 44, हर्षल पटेल डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट और वर्ल्ड कप में हमारी टीम के सबसे बड़े खान माने जाएंगे डेथ बॉलिंग में, उनका हाल देख लीजिए 4 ओवर में 49। एक दो मैचों में देख लिया यार कि ठीक है इंजरी के बाद आए हो, आपको थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन कितना टाइम चाहिए आपको अब यार, ऑस्ट्रेलिया सीरीज निकल गई, यहां पे आप हो गए, कितनी और सीरीज चाहिए आपको? मेरे को लगता है कि शायद अब टीम इंडिया मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि जो भी उनके ऑप्शन है उसमें से बहुत दिमाग लगाएं, क्योंकि आपको हर दम बल्लेबाजी नहीं जिता सकती यार। और बल्लेबाजी आज देख लीजिए आप, आज विराट और राहुल नहीं खेले तो हाल देख लीजिए इनका, वो तो दो चार अच्छे शॉट डीके और पंत खेल गए, नहीं तो ये टीम 100 रन पे भी ऑल आउट हो सकती थी। तो आपको क्या लगता है टीम इंडिया की हार के बारे में आप क्या कहेंगे? इसके अलावा क्या आपको गेंदबाजी अटैक पे लगता है कि आपको एतबार है? मुझे तो नहीं है एतबार, और एतबार क्या मतलब, मैं तो ये कहूंगा कि यार इस गेंदबाजी अटैक को बांग्लादेश जैसी टीम भी मार सकती है। बहुत खराब गेंदबाजी आज के मैच में, खासकर बहुत खराब बल्लेबाजी भी, लेकिन बल्लेबाजों को दोष नहीं दे सकते क्योंकि 227 रन चेस करने थे आपको, पहाड़ चेस करना था तो उसमें रिस्की शॉट तो खेलने थे, लेकिन गेंदबाजी आप देख लीजिए। अश्विन को आप लाए हैं, आप अश्विन आज प्रेशर में उन्होंने क्या किया, उम्मीद थी उमेश यादव खेले 3 ओवर में 34 रन उन्होंने भी दिए, लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इतनी धुलाई अगर ऐसी होगी तो, और आप सोचिए ये मुकाबला सेमीफाइनल का होता तो एक पारी के बाद ही हाथ खड़े हो जाते ना। हार के बारे में क्या कहेंगे, ठीक है सीरीज जीत ली है कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बड़ी टीम नहीं है साउथ अफ्रीका है, इतनी मजबूत टीम भी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को हराया आपकी एक उपलब्धि है, इंग्लैंड आएगा हराओगे तो समझ में आएगा, साउथ अफ्रीका को अपने घर में हराना इतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो इस हार के बाद सीधी साउथ अफ्रीका वाले जरूर हारे लेकिन दिल आज उन्होंने पूरा जीत लिया है। टीम इंडिया की हार के बारे में और वर्ल्ड कप के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।